मेंढक की सीख। एक वन में एक सुंदर झील थी। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी मछलियां, मेंढक, कछुए और अन्य जल के जीव सुखपूर्वक रहते थे। झील के किनारे छायादार पेड़ लगे थे। उन पेड़ों पर दूर दूर से पक्षी आकर बसते थे और झील में पानी पीते तथा क्रीड़ा करते थे। लंबे समय से वर्षा न होने के कारण धीरे धीरे झील का पानी कम हो गया। गर्मी के दिनों में झील का पानी जल्दी गर्म हो जाता था। अब झील में पक्षियों के लिए नहाना और पानी पीना कठिन हो गया। झील के किनारे पेड़ों पर रहने वाले पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। कुछ समय बाद झील के मेंढक और कछुए आदि भी झील छोड़कर जाने लगे। इनमें से एक बूढ़ी मेंढक ने सभी से कहा, यह झील हम सभी की मातृभूमि है। इसमें हम सभी ने जन्म लिया, पले बढ़े, खेले कूदे और इसने ही हमें आश्रय भी दिया। आज झील में पानी कम होने के कारण इसका त्याग करना उचित नहीं है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और झील भर जाए। उस बूढ़े मेंढक की बात किसी ने नहीं सुनी और वे सभी झील छोड़कर चले गए। बूढ़ा मेंढक और मछलियां झील में ही रह गए। बूढ़े मेंढक ने मछलियों के साथ प्रार्थना की, जिसे ईश्वर ने सुन लिया। अगले दिन भारी वर्षा हुई और झील पानी से भर गई। झील को पानी से भरा हुआ देखकर वहां से गए हुए पक्षी, मेंढक, कछुए आदि वापस आ गए। बूढ़े मेंढक ने सबको स्वार्थी बताया और कहा कि हमें कष्ट होने पर भी अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। बूढ़े मेंढक की बात सुनकर सभी लज्जित हुए। उन्होंने आगे से झील न छोड़ने का संकल्प लिया।